लखनऊ से अहम खबर। यूपी में गर्मी से राहत मिल सकती है। शुक्रवार और शनिवार के बाद आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। शुक्रवार और शनिवार के बाद आज भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने इसके लिए अनुमान लगाया है। बिजली के साथ बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो उत्तर प्रदेश में तपती गर्मी से राहत के आसार आज भी हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं कि यूपी में आज क्या खास रहने जा रहा है वो आपको फटाफट बता देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आज वृहद वृक्षारोपण अभियान चलेगा। सुल्तानपुर में पौधा लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पौधा लगाएंगी। इसके अलावा आज कुल 25 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है पूरे प्रदेश भर में। यूपी सरकार के कई मंत्री भी इस अभियान में आज हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे से अलग अलग सामाजिक संगठनों से उनकी मुलाकात आज होगी। शाम 4 बजे आउटर रिंग रोड और विक्टोरिया स्ट्रीट फ्लाईओवर का निरीक्षण करेंगे। सोमवार सुबह 10:15 बजे के आसपास सड़क मार्ग से वो कानपुर रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस के जोनल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम दिन आज है। प्रियंका गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगी। लखनऊ समेत 10 जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों को वो संबोधित करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से निकाली जाएगी प्रभात फेरी। आइए आपको बताते हैं अब कि उत्तराखंड में क्या खास रहने वाला है। आज विशेष दिन शाम 6 बजे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी और ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। मंत्रिमंडल के सदस्य भी राजभवन में शपथ लेंगे। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए कल विधायक दल ने मुहर लगाई पुष्कर सिंह धामी के नाम पर। शाम 6 बजे वो शपथ लेंगे। उधर कांग्रेस के जोनल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम दिन है आज। प्रियंका गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। लखनऊ समेत 10 जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों को संबोधित करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी वहां मौजूद होंगे। प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से निकाली जाएगी प्रभात फेरी। तो लखनऊ समेत 10 जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सब कुछ किया जाएगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने से पहले प्रभात फेरी भी निकलेगी। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। कैदियों के टीकाकरण अभियान की मांग पर नोटिस हुआ है। जी हां, याचिका पर 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करे सरकार। हाईकोर्ट ने कहा है 16 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जनमित्र न्यास द्वारा दायर की गई थी जनहित याचिका। जेलों में वायरस के प्रसार की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग की गई है। इसमें इस याचिका में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के कुशल फैलाव को सुनिश्चित किए जाने की योजना है।